अरे थक्का मत, बस बस लाल क्या कर रहा है, बस बस शिल्पा जी उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही बस बस उधर ही उधर ही करना कैमरा यार। अरे यार मैं मत लो ना सुन, मैं मत भाई साहब प्लीज प्लीज अच्छा किया अच्छा आप लोगों का मतलब ले ले रही हूं मैं, ऐसा लगता है मैं खा खा के आई हूं। मैम इधर सामने सामने देखिए सामने यहाँ पर सेंटर में मुझे ले हाँ थोड़ा आगे आ जाए बस रुको यार अभी। अरे भाई थोड़ा कैमरा ले ना यार, चालू कैमरे में कैसे लगाऊंगी खान का भी सीजन देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सीजन ओवरऑल एंड शी वाज गुड ऑब्वियसली डेफिनेटली शी वेरी स्ट्रांग गर्ल तो आई होप मैं भी मेंटली स्ट्रांग थी अभी फिजिकली भी स्ट्रांग हूँ वैसे दिखाऊँ। तो शिल्पा जी कितने झंडे गाड़ कर आने वाली हो? देखो मैंने सोचा तो है कि मैं एक्चुअली झंडे गाड़ के आऊँ क्योंकि सबको ऐसा लगता है ये मेरा शो है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ऐसे टाइम। हाँ हालांकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन वहाँ सिचुएशन कैसी होगी पता नहीं, कितने खतरे होंगे रोहित सर के खतरों के लिए कितने तैयार हैं। रियलिटी शो है, आई होप सब सब कुछ रियल रहे और मुझे लगता है कि वो बहुत रियल जज करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी वो इंस्पायर करते हैं कि आप करो, यू नो पुश करते हैं कि आप कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते, तो वो एक सीखने जैसी भी बात है तो लेट्स सी। शिल्पा जी आपको सबसे चैलेंजिंग टास्क कौन सा लगता है अभी तक लगता है जो आपने? हाँ खतरों का चैलेंजिंग मुझे कुछ नहीं लगता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कल आप बोलो कि आप तो वापस आ गए चैलेंज उस सिचुएशन में पता नहीं कुछ क्या। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप हाइपर हो जाते हो तो जो चीज़ कर सकते हो वो भी नहीं कर पाते, ऐसा होता है। तो आई थिंक मेंटली फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी पीस ज़रूरी है। सो आई होप मैं ऐसे नहीं कुछ बोलती, बट हाँ वो जो कीड़े मकोड़े और वो सब होता है वो पहले से पिछले सीजन में तो कीड़े मकोड़े मुंह से उठा के दूसरे बाकेट में डालते थे। यार खाना खा रही हूँ। अच्छा किसी से टिप्स लिया आपने कोई फ्रेंड? मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है तो नॉनवेज में मैं कुछ भी खा सकती हूँ कुछ भी, मगर कच्चा नहीं खा सकती, पका हुआ पका के दे दो खा लूँ। गडबड होते जसं मी बिग बॉस मध्ये गेली होती तर प्लॅन जितना प्लॅन कोरे कागज पे लिखना आसान होता है वैसे मैं एकदम पूरा कागज बन के जा रही हूँ। लेकिन आप तो विनर थे। अच्छा तो इसीलिए तो यहाँ पर मैंने पहले मैं खतरों के खिलाड़ी देखती थी लेकिन जब से मैंने साइन किया है तब से गलती से भी खतरों के खिलाड़ी का कुछ भी आता है मैं बंद कर देती हूँ। शिल्पा जी लास्ट लीजिए, बहू का बेंचमार्क कब हटने वाला है, क्या अभी ये खतरों के खिलाड़ी के पास हट जाएगा? कहाँ, मैं तो जगत भाभी जी बन ही चुकी हूँ, हटेगा आपको लगता है? नहीं हट जाएगा। कितना मैंने रियलिटी शो कर लिया, सबको बताया शिल्पा शिंदे कौन है कैसी है क्या है, फिर भी बुलाते हैं भाभी जी घर पर हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो माइट कर लो। अच्छा
चलो चलो ठीक है, करेंगे करेंगे मेरे भाई, भाई लगाओ ना, दो एक दो बना भाई लगाओ, एक दो एक दो चलो रोल है, ये लोग आए थे, अरे इतना आगे मत चले, फटाफट 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 चलो दिखती, क्योंकि कल हूँ मैं रोली एक करते सो वो किसी शिल्पा जी एक लुक सर रियलिटी शो जीतने के बाद क्या आप प्रिपेयर हैं दूसरा रियलिटी शो जीतने के लिए? अरे ऐसे तो बीच में एक कर लिया शो, बट हाँ 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 सही पकड़े, वो शो में से मैं वापस बीच में से निकल गई थी, जैसे सारे शो का मेरा टैग लग चुका है, मैं बीमार थी, लेकिन इस बार बिग बॉस की तरह ही सबको निकाल के लास्ट में आऊँगी। शिल्पा आपने कहा कि आपको दिव्यांगा और हिना खान का सीजन ज़्यादा अच्छा लगा था, तो आप क्या कुछ अलग कर पाएंगे? वो तो खतरों पर डिपेंड करता है, रोहित शेट्टी सर के खतरों से कैसे बच पाएंगे? हाँ रोहित शेट्टी भी मुझे बहुत बड़ा खतरा लगता है, मुझे उनसे डर लगता है, आई मीन ही इज़ नाइस।